गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी ने पिछली वीडियो में अपना उद्योग का चैप्टर आधा पढ़ लिया था, जिसमें आपने ही समझ लिया था कि उद्योग किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से जब हम कच्चे माल को पक्के माल में बदलकर कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, जिसमें कच्चे माल से हम कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। और उद्योग कई बच्चों, आप कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज और बिग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं हमारे देश के प्रमुख भारी उद्योग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उद्योग हमारे देश में होते हैं? जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात बनाने के बड़े बड़े कारखाने जमशेदपुर झारखंड में, भिलाई मध्य प्रदेश में, राउरकेला ओडिशा में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल आदि में हैं। तो यहाँ पर जो जो जगह दी हुई हैं इन राज्यों के, इस जगह पर ये लोहा इस्पात उद्योग हैं। जमशेदपुर का टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। जमशेदपुर में जो टाटा आयरन स्टील वर्क्स है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा कारखाना है। कारखानों में लोहे की चादरें, रेल की पटरियां बनाई जाती हैं। लोहे की चादरें बनाई जाती हैं और उससे फिर लोहे के विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं और रेल की पटरियां बनाई जाती हैं कारखानों में। कोचीन और विशाखापट्टनम में पानी के जहाज बनाए जाते हैं। कोचीन और विशाखापट्टनम में किस चीज़ की फैक्ट्रीज है? पानी के जहाज बनाने की। ये सभी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। चितरंजन और वाराणसी में रेल के इंजन बनाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, चितरंजन और वाराणसी फेमस है किसके लिए? रेल के इंजन बनाने के लिए। इन्हीं जगहों पर रेल के इंजन बनाए जाते हैं। पेरम्बूर चेन्नई में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। बेंगलुरु कानपुर और हैदराबाद में वायुयान बनाए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कहीं भी बन जाती है, हर एक जगह की अलग अलग चीज फैक्ट्रीज फेमस है, वहीं पर उस तरह की चीज बनाई जाती है, क्योंकि जो खनिज पदार्थ जिस जगह ज्यादा मात्रा में होते हैं वहां पर उसी तरह की फैक्ट्रीज भी हैं। बेंगलुरु कानपुर और हैदराबाद में क्या है? वायुयान बनाए जाते हैं। बेंगलुरु में टेलीफोन बनाने के कारखाने हैं। भोपाल रांची आदि में बिजली की बड़ी बड़ी मशीनें बनाने के कारखाने हैं। अब बिजली की इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो सब भी कहाँ बनती हैं? भोपाल और रांची में बनती हैं। भारी इंजीनियरी और मशीनरी उद्योग, भारी भारी इंजीनियरिंग और मशीनरी का उद्योग है। ये अभी सब जो आपने पढ़ा ऊपर, ये सब क्या थे? लोहा इस्पात उद्योग, मतलब लोहे की चीजें, जो रेल के इंजन है, पटरी है, वायुयान है, रेल के डिब्बे हैं और मशीनें बनाने के कारखाने हैं, तो ये सब क्या है? लोहा इस्पात से बनता है ना, तो ये सब लोहा इस्पात के कारखाने हैं। अब हम पढ़ते हैं भारी इंजीनियरिंग और मशीनरी उद्योग। पहले हमें सभी छोटी बड़ी मशीनें और कल पुर्जे विदेशों से मंगाने पड़ते थे। जब आजादी से पहले के टाइम में क्या होता था, छोटी बड़ी सभी मशीनें, सब जितने औजार मशीनें सब क्या होता था, हमें विदेशों से मंगाने पड़ते थे। लेकिन आजादी के पश्चात हमने इस क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। अब हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही लेते हैं, बहुत सी मशीनों को दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कि अब हम अपनी जरूरत तो पूरी कर ही लेते हैं, उनसे मशीनें बनाकर अपनी जरूरत भी पूरी करते हैं और उसके साथ ही हम बहुत सी मशीनों को दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है हमारे देश की। इस उद्योग से संबंधित कारखानों का विवरण इस प्रकार है, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, ये क्या है? इसके कई केंद्र हैं जिनमें तरह तरह की मशीनें और मशीनी औजार बनाए जाते हैं। HMT के केंद्र हैं बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, पिंजौर हरियाणा, कमलेश्वरी केरल, यहाँ पर HMT के सेंटर्स हैं। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, BHEL भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। BHEL में ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या बनता है? ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने की कंपनी है BHEL। इसके केंद्र भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल में है, हरिद्वार के पास रानीपुर में उत्तराखंड में जो कि आता है, हैदराबाद के पास रामचंद्रपुरम आंध्र प्रदेश में, तिरुचनापल्ली तमिलनाडु में और रांची के पास हटिया छत्तीसगढ़ में जो किया जाता है, इस जगह पर BHEL की
कंपनियां हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सब बिजली की मशीनें ये सभी बनाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि। इसके अलावा थर्ड है कपड़ा उद्योग। अब ये किस चीज़ का? कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग का है हमारे देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है, यह हमारे देश का सबसे ओल्ड और सबसे बड़ा उद्योग है। यह उद्योग वैसे तो सारे देश में फैला हुआ है, लेकिन कपड़ा बनाने की बड़ी बड़ी मिलें मुख्य रूप से अहमदाबाद, मुंबई और कानपुर में है। कपड़े की मिलें कहाँ पर ज़्यादा हैं? मुख्य रूप से अहमदाबाद, मुंबई, इधर की सूरत, यहाँ पर क्या है कपड़े की बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं, वहीं से मोस्टली कपड़ा आता है, और कानपुर में भी हैं। अब इसके आगे पढ़ें, भारत में सूती कपड़ा उद्योग का विकास मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। सूती कपड़ा का मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? गुजरात में और महाराष्ट्र में। जितना कॉटन क्लोथ्स है सब मोस्टली वहीं से ही आता है, क्योंकि इन राज्यों में इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती अच्छी होती है, तो इसलिए कपड़े को बनाने के लिए जिस कच्चे माल की ज़रूरत होती है वह कच्चा माल इन्हें वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जहाँ पर जिस तरह का कच्चा माल ज़्यादा होता है उससे संबंधित फैक्ट्रीज भी, इंडस्ट्रीज भी वहीं पर उस चीज की ज्यादा होती हैं। चीनी उद्योग, यह उद्योग कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है। क्यों कृषि पर आधारित है? क्योंकि चीनी किससे बनाई जाती है? गन्ने से बनाई जाती है, और गन्ना क्या होता है? खेती करके उगाया जाता है, तो यह उद्योग कृषि पर आधारित है। क्यूबा के बाद भारत संसार का दूसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया है। क्यूबा फर्स्ट नंबर पे है जहाँ पर चीनी की खेती होती है, और भारत जो है संसार में दूसरे स्थान पर है। गन्ने पर निर्भर चीनी उद्योग भारत का एक विकसित उद्योग है। गन्ने पर निर्भर क्योंकि गन्ने से बनाई जाती है चीनी, तो यह एक बहुत ही विकसित उद्योग है। गन्ना क्योंकि भारत में सबसे अधिक मात्रा में होता है ना, बताया था ना, भारत का विश्व में पहला स्थान है गन्ना उत्पादन में, तो इसलिए गन्ना जब ज़्यादा होता है तो कच्चा माल ज़्यादा मिलता है, इसलिए चीनी का उद्योग भी एक विकसित उद्योग है। भारत में गन्ना अधिक उगाया जाता है। यहाँ चीनी के अधिकांश कारखाने, अब चीनी के कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में। उधर की तरफ गन्ना भी ज़्यादा होता है, और इसीलिए इधर इन राज्यों में चीनी के अधिकांश कारखाने हैं। तो देखा आपने, जिस जिस चीज़ की जहाँ अधिकता होती है वहाँ पर उसी चीज़ के कारखाने होते हैं। तो किस किस के बारे में पढ़ा आपने? लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग मशीनरी उद्योग, कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग के बारे में। अब आपने कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ लिया। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? कागज उद्योग यानी पेपर इंडस्ट्री। भारत में कागज उद्योग भी प्राचीन काल से चला आ रहा है। पेपर का भी उद्योग जो है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। नेपानगर, मध्य प्रदेश में नेपानगर जो है, और पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ कागज के मुख्य केंद्र हैं। यहाँ पर कागज का उत्पादन अधिक होता है। इन उद्योगों के अतिरिक्त हमारे देश में ये जो सभी उद्योग हो गए, इसके अलावा और किस किस चीज़ के हमारे यहाँ कारखाने हैं? सीमेंट, कांच, चमड़ा, उर्वरक आदि बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं। देश के स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। ये आपको पहले भी बताया कि देश में आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग तरह तरह के उद्योगों में लगा हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा भाग तरह तरह की इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। उद्योगों के कारण देश के भीतरी और बाहरी व्यापार को बढ़ावा मिला है। अब जब उद्योग ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारे देश में भीतरी और बाहरी व्यापार, यानी कि भीतरी से मतलब देश के अंदर ही जो व्यापार होता है, और बाहरी व्यापार यानी देश के बाहर का व्यापार, उनको सभी को बढ़ावा मिला है। हमारे देश के बहुत से लोग व्यापार में लगे हुए हैं। वर्तमान में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। लोगों के द्वारा नए नए उद्योग आरंभ किए जा रहे हैं। उद्योगों का विकास होने से देश में
खुशहाली बढ़ रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए उद्योगों का फूलना फलना बहुत अच्छी बात है, इससे देश खुशहाल बनता है। संसार के सभी विकसित देश उद्योगों के कारण ही खुशहाल हुए हैं। कि जब किसी देश में उद्योगों का विकास होगा तो वहाँ से सामान भी बाहर जाएगा तो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और जब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो वहाँ के लोगों को मुनाफा होगा और वो खुश भी होंगे। तो देश की खुशहाली किस पर निर्भर करती है? उस देश के उद्योगों पर निर्भर करती है। तो चैप्टर ये वाला आपका ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराएंगे।